अरे दोस्तों देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं भाई, आज हम रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है उसके हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट किए थे, उस सारे पार्ट्स में एमसीक्यूज थे। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक बार पढ़ दीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस केस स्टडी को पढ़िएगा तो इसके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसमें थ्री केस स्टडीज में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सीबीएसई के जो क्वेश्चन बैंक है वहां से ही हमने लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए केस स्टडी नंबर वन क्या पूछा है। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड टेंथ, क्लास टेंथ के कुछ बच्चे हैं, उनकी रीडिंग स्किल जो है इसको इम्प्रूव करना है, एनहेंस करना है। द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड, तो स्कूल ने आप और आपके दो फ्रेंड को नॉमिनेट किया टू सेटअप अ क्लास लाइब्रेरी, जिससे क्या बन पाए, आप एक क्लास लाइब्रेरी को सेटअप कर पाओ। देर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, 32, और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, 36। ठीक है, तो भाई 32 हैं ए में और 36 हैं बी में, क्लियर हुआ। तो थोड़ा लाइब्रेरी की चित्र बना दिया उन्होंने, चित्रकारी कर दी थोड़ी सी। अब क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं, तो याद है ना ए पर कितने स्टूडेंट हैं, 32, और बी पर कितने हैं, 36, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए में 32 हैं और बी में 36 हैं। अब पहला क्वेश्चन उनका पूछना, पहला क्वेश्चन उनका क्या है देखो। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए हैं। ठीक है, यू विल एक्वायर, मतलब आपको मार्केट में जाके नंबर ऑफ बुक्स खरीदनी है, नंबर ऑफ बुक्स लेनी है फॉर द क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट को आप इक्वली इक्वली बांट सको। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको वो समझाता हूँ, उससे आपको चीजें और समझ में आएंगी। देखो क्या पूछा भाई, यहाँ पे दो सेक्शन है मान लेना, ठीक है, एक सेक्शन ए है एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 6 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैंने कहा जाओ मार्केट से बुक लेकर आना। ठीक है, आपको ऐसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि अगर ए वालों को डिस्ट्रीब्यूट करो तो इक्वल इक्वल बटे, और बी वालों को डिस्ट्रीब्यूट करो तो भी इक्वल इक्वल बटे। हमें इससे मतलब नहीं है कि ए वाले जो स्टूडेंट उनको ज्यादा मिले या बी वाले स्टूडेंट को कम मिले, पर यहाँ के जो 4 स्टूडेंट हैं उनको इक्वल मिलनी चाहिए। मतलब इनके आपस के स्टूडेंट में लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि अरे तुमको ज्यादा हमको कम। हाँ, सेक्शन ए वालों पर कम ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा, देखो कैसे। मैंने कहा भाई मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। मान लो मैं 12 बुक्स लेकर आया, स्टूडेंट कितने हैं, 6, तो मैं हर एक को 2-2 दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा, बताओ। ठीक, इक्वल इक्वल बटी ना, इनके बीच में कोई लड़ाई हुई कि नहीं हुई। सेक्शन ए वाले खुश हो गए, सेक्शन बी वाले देखो भाई 12 बुक्स लाए थे, बी वाले में कितने स्टूडेंट, 4 हैं, मतलब इनको भी 3-3 मिल जाएंगी, मिल जाएंगी नहीं, तो ये भी खुश हो गए। तो भैया ये भी खुश, 32 ही निकाल के हंस रहे हैं, ये भी खुश, ठीक है ना, ये थोड़ा दुखी हो गया, खुश, ये भी खुश। ठीक है, समझ में आया, सब खुश, क्यों, सेक्शन के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई ना भाई, ये अपना सेक्शन में अलग है, ये अपना सेक्शन अलग है, इसके सारे स्टूडेंट खुश, इसके सारे स्टूडेंट खुश। उसने कहा इक्वल इक्वल बटे, या तो सेक्शन ए में बांटो तो इक्वल बटे, सेक्शन बी में बांटो तो भी इक्वल बटे, आया समझ में। तो हमको किसकी जरूरत पड़ी, क्या निकाला हमने इन दोनों नंबर का, एलसीएम निकाला, क्या निकाला, एलसीएम। बस यहां पर क्या करोगे, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, 32, और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, 36, इनका एलसीएम निकाल दो। भाई 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 4 जा 32, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 36 को मैं लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, और 3 इंटू 3 9 हो गया। तो देखो 2 कितनी बार आया भाई, 5 टाइम्स। यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो देखो एलसीएम मतलब क्या होता है, सबको ले लो, 2 को भी लो 3 को भी लो, 2 को भी लेंगे 3 को भी लेंगे। तो 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, 2 यहां भी आया 2 यहां भी आया, पर 2 ज्यादा बार यहां पर आया ना, तो 2 की पावर हम कितनी ले लेंगे, 5। अब बताओ जरा 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, तो बनाया 9 3 जा 27 एंड 1 28,
288 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बस ये हमारा आंसर है। तो आया सामने कॉन्सेप्ट क्या पूछा है, तो क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार, ठीक है। वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी? तो क्लास लाइब्रेरी के लिए आपको बुक लेकर आनी है, सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब या तो सेक्शन ए को बांटो तो इक्वल इक्वल बटे, सेक्शन बी को बांटो तो भी इक्वल इक्वल बटे। हाँ, बुक आपको एक ही क्वांटिटी में लानी है, मतलब एक ही नंबर ऑफ बुक्स लेकर आओगे, नंबर ऑफ बुक्स लेकर आओगे सेम रहेंगे, ठीक है। तो ए वाले भी घुस जाएंगे, बी वाले भी घुस जाएंगे, क्लियर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ये तो हमको पता ही है, ठीक है। दो नंबर हैं, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, तो 32 एंड 36 का एचसीएफ क्या होगा बता दो, ये बड़ी चीज है क्या, एचसीएफ बताना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर देता है, 4 भी इन दोनों को डिवाइड कर देता है, 6 नहीं कर पाता तो 6 तो कट गया, 8 जो है वो 36 को डिवाइड नहीं कर पाता इसलिए 8 भी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 4। आया समझ में? तो ये हमारा आंसर है, ठीक। देखना भाई, 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर देता है, 4 भी इन दोनों को डिवाइड कर देता है, 6 नहीं कर पाता, किसको नहीं कर पाता, 32 को नहीं कर पाता, 8 36 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो भाई 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, तो 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4। नहीं बने तो ऐसे निकाल लेना, कैसे, जैसे निकालते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। देखो 32 को हम कह सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, और 36 को हम कह सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। भाई इसमें कॉमन क्या है, 2 है, और कॉमन क्या है, 2 है, तो इसमें से एक 2 निकला और इसमें से एक 2 निकला, 2 2 जो कितना हो गया, 4। ये हमारा एचसीएफ। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। देखो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, सब कुछ लेते हैं, 2 भी लेंगे 3 भी लेंगे, पर जिसके पास ज्यादा है वो लेंगे, और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो चीज जो दोनों के पास है वो लेते हैं, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है भाई, थर्ड में देखो, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 36 को मैंने अभी बताया आपको, क्या ले सकते हो, 6 × 36 है ना, या 4 × 9 = 36, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3, 4 × 9 = 36, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये दिख रहा है, ये हमारा आंसर, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये पूछा है, क्या पूछा है कि 7 × 11 × 13 × 15 + 15, तो ये तो आपकी बुक में क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का, है ना, देखा होगा शायद, पढ़ा होगा, तो मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, बताओ ये कैसा नंबर है, तो देखो आप खुद सोचो कि ये एक टर्म है और एक टर्म है। अब मैं टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस जहां पर आते हैं ना तो इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये एक टर्म बन जाती है, एक टर्म बन जाती है। क्या यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, 15 कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, 15, तो यहां क्या बचेगा, 7 × 11 × 13, भाई 15 तो चला गया था बेचारा, यहां से 15 गया तो क्या बचा, 1। मतलब जो भी नंबर आएगा वो 15 से डिवाइड तो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो ये नंबर आएगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक लगा दूंगा, लिंक अटैच कर दूंगा यहां पे, आप देख लेना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा अब देखो भाई, यहां पे क्या पूछा है, एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, पी का निकालो और क्यू का निकालो। पी क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, और क्यू क्या दिया है, ए स्क्वायर बी, ठीक है। इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। देखो इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर हैं, जहां पर पी ये है क्यू ये है, वेयर ए बी आर प्राइम नंबर, देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालता है, बिल्कुल ध्यान समझना, सबको लेते हैं, मतलब हम ए को भी लेंगे और हम बी को भी लेंगे,
अब ए ज्यादा बार कहां पर आया है, यहां पर आया है ना, तो ए स्क्वायर लेंगे। बी ज्यादा बार कहां पर आया है, यहां पर आया है, मतलब हम बी स्क्वायर लेंगे। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा आंसर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी वाला। ठीक है, तो ये आंसर आप चेक कर देना। ठीक है, ये सारे आंसर वही हैं जो अपन ने किए हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट केस स्टडी देखिए, केस स्टडी नंबर 2। ठीक है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेमिनार करवा रहा है, वो बता रहा है कि मैथ थिएटर में कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैथ थिएटर के बारे में चर्चा की जा रही है, वेयर उनके स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा की जा रही है कि उनके स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, उनके स्टूडेंट की तारीफ हो रही है। अच्छा, तो वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। क्लियर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। तो भाई पार्टिसिपेंट्स आए हैं, हिंदी के आए हैं, इंग्लिश के आए हैं, मैथ्स के आए हैं, कितने कितने हैं? हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं, मैथ्स के 108 हैं। रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब लाइन बाय लाइन, हिंदी आगे, हिंदी आगे, इंग्लिश पीछे, इंग्लिश बीच में, इंग्लिश बीच में, मैथ्स पीछे, मैथ्स पीछे। आया समझ में? तो भैया इतनी बात तो हो गई, थक गए हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया। क्या पूछा गया समझना, देखो पहले मैं आपको बता दूं क्या पूछा था भाई। उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि हिंदी के कितने लोग हैं, हिंदी के कितने लोग हैं 60, इंग्लिश के कितने लोग हैं 84, ये पार्टिसिपेंट्स आए हैं ना, और क्या बचा, मैथ्स, मैथ्स के कितने हैं 108, मैथ्स के ज्यादा हैं रे भैया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, ध्यान सुनिए। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हैंस मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम। उन्होंने ये कहा कि भैया रूम की व्यवस्था, तो यहां पर हम निकालते हैं एससीएफ। क्या निकालते हैं? एससीएफ। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 60 14 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, ये कट गया। 60 12 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। 16 से डिवाइड होता है कि 60? नहीं होता है। 18 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो हमारा आंसर क्या है? 12। आप चाहो तो 60 84 और 108 का क्या निकाल सकते हो? एससीएफ निकाल सकते हो। हर एक रूम पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रुकेंगे देखो, डिवाइड बाय 12, तो इनको कितने रूम्स मिले? 5। ठीक है, इनको कितने नंबर ऑफ रूम्स मिले? 7। इनको कितने नंबर ऑफ रूम्स मिले? 9। मतलब हमने इक्वल इक्वल पार्टिसिपेंट को ठहराया है। ठीक है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हों। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम है, मतलब हर एक रूम में 12 12 पार्टिसिपेंट्स रुकेंगे। तो अगर इसके 60 पार्टिसिपेंट्स हैं और हर एक रूम पे 12 12 रुक रहे हैं, तो 5 रूम से ही पढ़ेंगे। इसके 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक रूम पे 12 12 रुक रहे हैं, तो मतलब 7 रूम से ही पढ़ेंगे। इसके 108 पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक रूम पे 12 12 रुक रहे हैं, मतलब 9 क्या चाहिए पड़ेंगे, रूम से ही पड़ेंगे। तो ये 12 जो निकाला, ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो उन्होंने पूछा है, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम। ठीक है, इक्वल इक्वल पार्टिसिपेंट्स रुक गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। भाई 5 रूम्स इसको चाहिए, 7 रूम्स इसको चाहिए और 9 रूम्स इसको चाहिए। तो 5 प्लस 7 12 12 प्लस 9 12 प्लस 9 21। तो ये हमारा आंसर आ गया 21। तो मिनिमम कितने रूम चाहिए? 21। इंग्लिश हिंदी वालों को 5 रूम चाहिए, इंग्लिश वालों को 7 रूम चाहिए और मैथ्स वालों को 9 रूम चाहिए। तो तीनों को ऐड कर दो, मिनिमम इतने रूम तो चाहिए चाहिए भैया। ठीक है, एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या होगा, ध्यान समझना। एलसीएम मतलब कि वो नंबर जो 60 से भी डिवाइड हो जाए, 84 से भी डिवाइड हो जाए और 108 से भी डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना,
नहीं निकाल पाओगे, निकाल के बताएं। ठीक है निकाल के बता दे रहे हैं। देखो भाई टू से डिवाइड करो तो 30 आएगा, टू से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 42 आएगा, टू से डिवाइड करोगे इसको 108 को तो कितना आएगा 54, फिर टू से डिवाइड करो तो 15 आएगा 21 आएगा, टू से डिवाइड करोगे तो 27 आएगा, फिर टू से डिवाइड करो थ्रू से तो कुछ हो ही नहीं रहा, थ्री से कर दो, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करो 3 3 9। अब सारे प्राइम नंबर हैं तो ये 3 से होगा, होगा ना, ये 5 से होगा, ये 7 से होगा, मतलब यहाँ पे एक बार 5 आएगा और फिर एक बार यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो देखो क्या आया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 7, तो 2 2 जा 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आया 27 एंड 5 7 जा 35। क्लियर। अब देखो इसको हम चाहते तो और इसी तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, 2 और 5 का पेयर बना लेते, 2 5 जा कितना हो जाता 10, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 7 जा 54 7 जा 37, और लास्ट में क्या लग जाता, 0 लग जाता 3 7 8 0, ये था हमारा आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो भी सही, या 2 और 5 का पेयर बना लो, तो 2 और 5 कितना होता है 10, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में, इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम। तो भाई इसका एलसीएम अभी हमने निकाला, एलसीएम कितना निकला 3 7 8 0 निकला ना, और इसका हमने क्या निकाला, एलसीएम भी निकाला था, एलसीएम कितना निकला था 12, सॉरी इसका हमने एचसीएफ भी निकाला था, एचसीएफ कितना निकला था 12 है ना, और एलसीएम कितना निकला हमने 3 7 8 0। उसने क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा भाई 0 आएगा, 12 8 जा 96, तो 9 ऊपर चला गया, 12 7 जा 84, 84 प्लस 9 93, 9 ऊपर चला गया, 12 3 जा 36, 36 प्लस 9 36 प्लस 9 प्लस 45, ये 45360, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये सब कुछ पढ़ाया है मैंने, सब कुछ हमसे बनता है 108, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो 54 लिख देंगे, 2 इंटू 54, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 54 को हम क्या लिख देंगे 27, 27 को हम क्या ले सकते हैं 3 9 जाए 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 कहाँ गया रे, ये 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, ये वाला है, ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनमें कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, इसको अपन फिर से करेंगे एक बार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, दिस इज स्टडी नंबर 3, बड़ी सिंपल सी, इसके लिए तो बड़ी ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, केस स्टडी नंबर 3 देखते हैं भाई। अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री, ही डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन द कॉम्प्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड द आंसर द फॉलोइंग। भाई एक ये बना हुआ है क्विज, इसमें मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है और जेड की वैल्यू बतानी है, बड़ी सिंपल है भाई। देखो सबसे नीचे शुरुआत करना, ठीक है, 11 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 253 आ जाए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 253 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 टू जा 22 बचेगा कितना 3, 11 3 जा 33, मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई, देखो 23, क्योंकि 11 में 23 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 253 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, खत्म, इतना सिंपल था। अब 253 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2783 मिल जाए, बड़ी सिंपल सी बात है, 2783 डिवाइड बाय 253, देखो 253 बन जाए 253, माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 5, 253 बन जाए 253, क्या आ गया 11 आ गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 11, सो 253 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2783 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अच्छा अब ये पूछा है कि भाई ये कैसे आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा x, तो 2783 इंटू 5 करो,
5 3 15 5 14 41 5 35 35 प्लस 4 39 5 2 10 and 3 13। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 13915 आ गई। बस अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में x की वैल्यू बताओ, 13915 ये है x की वैल्यू। पूछा y की वैल्यू बताओ, तो क्या है y की वैल्यू, 11। ठीक है, हमसे पूछा है किसके लिए बताओ, z की वैल्यू बताओ, तो z के लिए अभी हमने निकाली, कितनी निकाली, 23। बस और क्या है, इतना इजी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915। अच्छा 13915 कैसा नंबर है, देखो 13915 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 23 से भी हो जाएगा, सबसे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इन्हीं के तो मल्टीपल है ये, है ना, मतलब यही सब तो इसके फैक्टर्स होंगे 13915 के। तो जिसके भी एक से ज्यादा फैक्टर हो गए उसको हम, मतलब जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर हो गए उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। तो भैया ये रहा कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिफ्थ देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो इसी फिगर को देख के बनाना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फिगर देखा आपने, देखो मैं यहां लिख देता हूं 13915। ठीक, तो ध्यान से देखते चलना, 13915 था, इसको हम कह सकते हैं 5 × 2783, पर इसकी जगह पर हम चाहें तो कह सकते हैं 11 × ये, पर इसकी जगह पर हम कह सकते हैं 11 × 23। देखो 5 11² × 23, बस क्या है 5 × 11² × 23, तो ये सी वाला हमारा ऑप्शन है। आया समझ में, कहीं पर भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मेल जरूर करिएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत जा रही है, तुरंत मेल कर दो। ठीक है, तो अपन एक बार इसको फिर से कर लेंगे, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो। ठीक है, चलो, सो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वन होता है कंप्लीट, ऐसे ही हम अपने सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगा हो वीडियो तो। ठीक है, ऐसे ही मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। आपको और कुछ भी लगता है और कहीं पर भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो मेल करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, डाउट सेशन चलते हैं, वहां पर वीडियो बना दूंगा आपके, खत्म। ठीक है, सो अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, यस एवरीवन।